Okay, so now we'll move on to the cross-pollination. So cross-pollination, you can see the diagram I have drawn. One flower, imagine it to be in another pot, and the dusra flower is in the another pot, okay? So what is cross-pollination? The cross-pollination, jo hai, it is transfer of pollen grain from anther of one flower to the stigma of another flower of the same kind. कहने का मतलब है कि जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में बट एक ही तरह के प्लांट होना चाहिए. जैसे रोज़ है तो इट विल अकर इन रोज प्लांट ओनली. ओके, सो व्हाट इज दिस? इज वन प्लांट, दिस इज वन फ्लावर, दिस इज द सेकेंड फ्लावर. तो जब एक फ्लावर से एंथर ट्रांसफर होता है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में, बट फ्लावर क्या होना चाहिए? सेम काइंड के होना चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक दैट. जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन जानते हैं कि ह्यूमन के ही साथ अगर मेटिंग होगा तब रिप्रोडक्शन होगा. ह्यूमन अगर हॉर्स के साथ मेट करेगा देन इट के नॉट प्रोड्यूस, राइट? तो उसी तरह से अगर कोई सनफ्लावर है, अगर ये सनफ्लावर डैफोडिल के साथ अगर इसका पॉलन ट्रांसफर होगा देन इट विल नॉट प्रोड्यूस द फ्लावर, राइट? तो इसी तरह से क्या होता है, अगर रोज प्लांट है तो वो रोज प्लांट का एंथर जो है वो दूसरे रोज प्लांट में ही ट्रांसफर होना चाहिए. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो प्लांट जो है वो दूसरे पॉट में है या फिर तीसरे पॉट में है, ठीक है? सो दिस इज़ योर क्रॉस पॉलिनेशन. Also remember that there are different types of agents which help in pollination, like you have wind, you have insects, you have animals, even the hands of human are also responsible for pollination. So this was your class on pollination. Next we'll move on to the next topic in the next class, in the next lecture. Till then, please study hard for your board exam. Thank you.